अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 15 है हमारे पास, जिसका नाम है नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास दो टॉपिक्स हैं जिनको हमने पढ़ना है। उनमें से एक टॉपिक हमारे पास है नेचर ऑफ लाइट्स, सेकेंड हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लाइट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम है और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से ही बनती है, और ये जब भी वेव्स ट्रैवल करती हैं तो ये किसी ना किसी स्पेक्ट्रम में ट्रैवल करती हैं। इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे कि ये लाइट किस तरीके से स्पेक्ट्रम बनाती है और उस स्पेक्ट्रम की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन उन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो लाइट है बेसिकली वो क्या चीज़ है, वो किस चीज़ की फॉर्मेशन है, वो लाइट किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है, अगर वो कोई सेंसेशन है, अगर वो कोई इफेक्ट है तो वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, क्या क्या उसकी कंपोजिशंस हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करे। बहुत सारे साइंटिस्ट ने लाइट के ऊपर अपनी अपनी राय दी है और हर साइंटिस्ट ने डिफरेंट अजम्पशंस के ऊपर अपनी राय कायम की, और हम उन तमाम साइंटिस्ट की राय के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या बात की, और फाइनली हम ये पढ़ेंगे कि आज के दौर में लाइट को क्या समझा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन की। तो लाइट के बारे में जो थ्योरीज ऑफ लाइट हमें दी गई हैं उनमें से सबसे पहली थ्योरी न्यूटन ने पेश की, और न्यूटन की थ्योरी जो है उसको हम न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी का नाम देते हैं। कार्पसल्स बेसिकली हम कहते हैं स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी टाइनी पार्टिकल्स जो हैं उनको हम कार्पस्कल्स का नाम देते हैं, और कार्पस्कल से हमने एक थ्योरी न्यूटन ने इजाद की, और उस थ्योरी को उसने इस तरीके से बयान किया। उसने उस थ्योरी में कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात की है कि अगर हम लाइट के स्ट्रक्चर को देखें, उसकी कंपोजिशन को देखें, उसको मीडियम को देखें, तो लाइट जो है वो कंपोज किस किस चीज़ पर है, वो स्मॉल पार्टिकल्स जिनको हम कार्पसल्स का नाम देते हैं, तमाम छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं उनसे मिलकर लाइट जो है वो फॉर्म हुई और उनको हमने कार्पसल्स का नाम दिया। अब ये लाइट जब ट्रेवल करती है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये लाइट एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है, और जब ये लाइट स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल कर रही है तो इसको अकॉर्डिंग टू न्यूटन मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पर मीडियम नहीं होगा तो विदाउट मीडियम भी ये लाइट ट्रेवल कर सकेगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये कि मीडियम के अंदर ट्रेवल कर कैसे रही है, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है। और स्ट्रेट पाथ के बाद नो मीडियम रिक्वायर्स, नो स्पेसिफिक मीडियम रिक्वायर्स, ये हमें न्यूटन ने बताया। न्यूटन जो थर्ड पॉइंट हमें बताते हैं इसके इमेज के बारे में, वो ये कहते हैं कि चूंकि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है, तो जब ये स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करेगी तो ये किसी भी चीज के साथ टकराने के बाद रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करेगी, और उस रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की रिजल्ट में हमारी रेटिना के ऊपर इमेज बनेगा। मींस इमेज सेंसेशन प्रोड्यूस होती है बिहाइंड रेटिना और वो हमें नजर आ रहा है। तो इमेज सेंसेशन में क्या हो रहा है, ये इमेज फॉर्म कर रही है ऑन रेटिना। तो लाइट के जरिए से हमें इमेज फॉर्मेशन मिलती है, वो इसलिए क्योंकि लाइट एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है, और स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करने के साथ साथ वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी प्रोड्यूस करेगी, डिपेंड करेगा कि वो किस मीडियम में पाथ में ट्रेवल कर रही है। आफ्टर दैट साइज मास और अगर कलर की बात करें तो लाइट का साइज मास कलर सेम नहीं होगा, ये डिफरेंट होगा, ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, नेचर के ऊपर। एंड फाइनली इस चीज़ को हम रिपीट करते हैं जो इमेज सेंसेशन में हमने बात की है कि न्यूटन के मुताबिक लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन भी प्रोड्यूस करती है और रिफ्रैक्शन भी प्रोड्यूस करती है, डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर कि अगर वो लाइट की जो बीम्स हैं
अगर वो बीम्स किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर स्ट्राइक होती हैं, तो वो स्मूथ सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद रेगुलर रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करती हैं, और अगर वो रफ सरफेस है तो रफ सरफेस के ऊपर जो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। इसके बाद अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, किसी लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, वाटर टू एयर, एयर टू वाटर, अगर वो अपना मीडियम चेंज कर रही है, तो हम ये बात कहेंगे कि उसके अंदर रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होगी। ये चीज हम लास्ट चैप्टर में 13-14 में डिस्कस कर चुके हैं कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या फर्क है और ये किस तरीके से होती है। लाइट अगर एक ही मीडियम में रहती है तो रिफ्लेक्शन होती है, और अगर लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो उसके अंदर रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। ये हमारे पास कुछ बेसिक पॉइंट्स थे थ्योरी ऑफ लाइट के, जो कि न्यूटन ने दिए, जिसमें हम इसको रिव्यू करते हैं कि न्यूटन ने सबसे पहले कंपोजिशन की बात की, स्मॉल पार्टिकल जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने मीडियम की बात की है, इमेज कहाँ पर बन रहा है, किस किस्म की सेंसेशन हो रही है इमेज की, साइज, कलर, मास, एंड आफ्टर दैट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। अब सेकेंडली हमारे पास इसके बाद एक और साइंटिस्ट है, हाइजेंस एंड मैक्सवेल। इन दोनों साइंटिस्ट ने, हाइजेंस ने ये थ्योरी सपोज करके पेश की है और इसको मैक्सवेल ने सपोर्ट किया। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि कंपोजिशन के बारे में हाइजेंस का ये कहना है, थोड़ी सी इनकी कंपोजिशन में चेंज है, मैं यहां पर इसको सर्किल कर देता हूं। इन दोनों के जो कंपोजिशन है और इन दोनों के जो मीडियम है, इनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, इनके अंदर थोड़ी सी अपोजिशन। कंपोजिशन के बारे में हाइजेंस और मैक्सवेल ये कहते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल नहीं करती, क्योंकि वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी हुई, वो एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। इस फॉर्म में लाइट ट्रेवल कर रही है। अब जब लाइट इस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। विदाउट मीडियम वेव कैन नॉट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर हमें वेव को किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है, पहुंचाना है, तो उसके लिए मीडियम का होना जरूरी है। इस पॉइंट के बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली हमारा रॉन्ग हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो सेकंड पॉइंट वेरीफाई नहीं हो सकता। वो ये कि मीडियम जरूरी है। अब यहां पर मस्ट हैव, अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर मीडियम जरूरी है तो ऐसा कौन सा मीडियम है जो कि सनलाइट को अर्थ तक रिप्लेस करवा रहा है, सनलाइट को ट्रांसफर करके अर्थ तक भेज रहा है। बीच में ऐसा कौन सा मीडियम है? बीच में तो स्पेस है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम में ऐसा कौन सा मीडियम है जो कि इसको यहां तक पहुंचा रहा है? स्पेस के अंदर एक खास मीडियम है और उस खास मीडियम को इन्होंने नाम दे दिया ईथर का, जो एक हाइपोथेटिकल मीडियम है, यानी कि वो मीडियम हमने सपोज किया है, उसको हमने सिर्फ हाइपोथीसिस लिया हुआ है कि एक ऐसा मीडियम है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि लाइट की फॉर्म में हम तक पहुंच रही है वो उसको ट्रांसफर करके हम तक पहुंचा देता है, और उस मीडियम का नाम है ईथर, जो कि स्पेस में मौजूद है। इसके बाद इमेज सेंसेशन की अगर बात करते हैं तो इमेज सेंसेशन में इनका और इनका दो राय नहीं है, सेम राय है, इन दोनों का एक ही कहना है कि इमेज सेंसेशन जो है वो दोनों बिल्कुल सही प्रोड्यूस करते हैं और रेटिना के ऊपर ही प्रोड्यूस होती है। लेकिन इसमें आप जब वेव का नाम लेते हैं तो वेव के अंदर आपके पास दो किस्म की फॉर्मेशन आ जाती है। जब आप वेव की बात करते हैं तो किसी भी वेव में जो इसका अपर पार्ट होगा ये अपर पार्ट इसका जो है इसको क्रस्ट का नाम देंगे, यानी कि एक क्रस्ट वर्क बन रहा है और एक आपके पास ट्रफ बन रहा है। तो जब लाइट किसी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है तो स्ट्रेट पाथ में तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक लीनियर डायरेक्शन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, मीन्स इट हैज ओनली अ यूनिफॉर्म डायरेक्शन। बट अकॉर्डिंग टू हाइजेंस एंड मैक्सवेल
लाइट ट्रेवल्स इन अ वेव मोशन, जब वो वेव मोशन में ट्रेवल कर रही है, जब वो सर्कुलर पाथ ले रही है, जब वो अप एंड डाउन मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी डायरेक्शन तो है, लेकिन डायरेक्शन के साथ उसके पाथ में क्या है, उसके पाथ में चेंजिंग है। पहले वो अपर डायरेक्शन में जा रही है, फिर वो लोअर डायरेक्शन में जा रही है। जो हाइजेंस और मैक्सवेल ने बात की, ये बात जो थी ये न्यूटन के लिए ठीक नहीं थी, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने न्यूटन की 2 से 3 मेन सपोजिशंस को गलत साबित किया था, और गलत साबित करने के बावजूद न्यूटन की कॉर्पसल्स वाली थ्योरी काफ़ी अरसे तक चलती रही, क्योंकि न्यूटन का एक बहुत नाम था, वेल नोन साइंटिस्ट है, तो उसकी बात को इतनी जल्दी चैलेंज करके हराया नहीं जा सकता, उसको इतनी जल्दी इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसके बाद आफ्टर सम टाइम हाइजेंस और मैक्सवेल की थ्योरी को फाइनली आइंस्टाइन ने अप्रूव किया, और आइंस्टाइन ने इन दोनों थ्योरीज को कंबाइन करके एक बात ये बताई कि लाइट जो है वो बेसिकली वेव फॉर्म में भी होती है, क्योंकि वो वेव की नेचर को पोजेस कर रही है, लेकिन चूंकि लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है, इट मीन ये स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर रही है। तो इन तमाम आइडियाज़ को, इन तमाम थ्योरीज को, तमाम साइंटिस्ट की जो लाइट की थ्योरीज थी, उन तमाम थ्योरीज को सम अप करके फाइनली हमें आइंस्टाइन ने ये बात बताई कि लाइट जो है वो एक्चुअली ड्वेल नेचर रखती है। इट मींस कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ पे भी मूव करती है, लाइट के पास वेव फॉर्म भी है। इसी तरीके से लाइट को रेटिना पे सेंसेशन भी चाहिए, और लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन भी प्रोड्यूस करेगी, जबकि लाइट के अंदर क्रस्टोट्रफ भी बनेंगे। इट मींस लाइट फाइनली तौर पे हम ये कह सकते हैं ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, फाइनली लाइट हैज अ ड्वेल नेचर। लाइट के पास कौन कौन सी नेचर्स हैं, लाइट के पास ये भी नेचर है, लाइट के पास ये भी नेचर है। मीन्स इन दोनों में से किसी भी थ्योरी को हम ये नहीं कह सकते कि गलत है, ये जरूर कह सकते हैं कि ये अधूरी है, इनकम्प्लीट है। तो इनको फाइनली कंप्लीट करके, फाइनलाइज करके हमें बताया जा रहा है कि लाइट जो है वो ड्वेल नेचर है, इसके अंदर वेव फॉर्मेशन भी बन रही है, स्ट्रेट पाथ में भी मूव कर रही है, रिफ्लेक्शन भी हो रही है, रिफ्रैक्शन भी हो रही है, और इसके अलावा लाइट जो मूव कर रही है, वो जो वेव बन रही है, उस वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म का नाम दिया गया है, कि लाइट की जो वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म की वो वेव है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म की वेव के साथ साथ चूंकि उसने पार्टिकल्स की बात की थी, वो जो स्मॉल पार्टिकल्स थे, वो बेसिकली आइंस्टाइन ने ये बताया कि वो स्मॉल जो पार्टिकल्स थे वो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स थे, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, और उन स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को हमने नाम दे दिया है क्वांटा। अगर हम प्लूरल कर लेंगे, बहुत सारे एनर्जी पैकेट्स को आपस में मिला लेंगे, तो इसका प्लूरल बन जाएगा क्वांटम। तो इसीलिए जो ड्वेल नेचर ऑफ लाइट है, इसको हम क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी कहते हैं। क्वांटम थ्योरी हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये क्वांटा को रिप्रेजेंट कर रही है और स्मॉल पार्टिकल्स को वेव फॉर्म में मूव करा रही है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, लाइट इज फॉर्म ऑफ अ क्वांटा विच मूव्स इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पाथ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से स्मॉल पैकेट्स होंगे जो कि इस डायरेक्शन में यूं करके मूव करेंगे और ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद जब लाइट मूव होती है, लाइट जब पास आउट होगी, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, या वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगी, जब लाइट अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रही होगी, तो लाइट के साथ साथ क्या होगा, डिस्टर्बेंस भी प्रोड्यूस होगी, और लाइट के साथ जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी, उसी डिस्टर्बेंस को हम वेव का नाम देंगे, और उस वेव के साथ साथ लाइट में स्प्रेडिंग कंपोनेंट्स भी होंगे, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो कि लाइट को ब्रेक डाउन कर देंगे, जिसको हम डिस्पर्जन का नाम देते हैं, और उस डिस्पर्जन की मदद से आपका एक स्पेक्ट्रम बनेगा जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब द स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
तो नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह हम लोग ये स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किस किस्म का होता है, इसमें से किस किस्म की रेज निकलती हैं और उन रेज के हमारे यूजेज और अब्यूजेज जो हैं इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बात ना समझ में आई हो, तो आप एडमिन से कॉन्टैक्ट करें, हम बैठे हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं।